देवास जिले के नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड के दोषियों को कठोर सजा देने की मांग को लेकर जनजाति विकास के राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय के नाम नालचा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि देवास जिले के नेमावर में आदिवासी समाज की बेटियों के साथ बलात्कार करके उसे पूरे परिवार को जघन्य हत्याकांड कर खेत में गाड़े जाने की आहत है। समाचार पत्रों के अनुसार आरोपी सुरेंद्र सिंह राजनीतिक संबंधों के साथ कर अपना प्रभाव समाप्त बनाने का कार्य करता था। आरोपी सुरेंद्र सिंह स्वयं केसरे हिंदू संगठन चलाता था और उसका एक भाई शक्ति सिंह तोमर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला प्रवक्ता है। ये सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव से इस हत्याकांड की जाँच प्रभावित करने का प्रयत्न करेंगे। हत्याकांड की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की गई है। देवास जिले के नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड के दोषियों को कठोर सजा देने की मांग को लेकर जनजाति विकास मंच ने राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय के नालचा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। नालचा से विनीत यादव की रिपोर्ट। माननीय राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, माननीय राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा, कलेक्टर महोदय, जिला धार मध्य प्रदेश, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय नालचा मध्य प्रदेश, विषय देवास नेमावर में हुई जघन्य हत्याकांड की निष्पक्ष जाँच और दोषियों को कठोर सजा देने बाबत मान्यवर समाचार पत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई। नेमावर के हुकुम सिंह के खेत से 500 बरामद हुए हैं, जिसमें एक महिला ममताबाई, आदिवासी ममताबाई के साथ 4 अन्य बच्चे हैं जो पिछले 47 दिनों से लापता थे। परसों आरोपी के खेत से 8 फीट नीचे गड्ढों में से पुलिस ने सभी के शव बरामद किए हैं। समाचार पत्र के अनुसार प्रतीत होता है आरोपी सुरेंद्र सिंह राजनीतिक संबंधों को साथ कर अपना प्रभाव समाज पर बनाने का कार्य करता था। आरोपी सुरेंद्र सिंह तोमर समय के केसरिया हिंदू संगठन चलाता था और उसका एक भाई शक्ति सिंह तोमर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला प्रवक्ता है। इस जघन्य हत्याकांड से समस्त जनजाति समाज व हिंदू समाज आहत है और इस बात से चिंतित है कि ऐसे रसूखदार लोग अपने सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव से इस जघन्य हत्याकांड की जाँच प्रभावित करने का प्रयत्न करेंगे। मतलब श्रीमान जी से निवेदन है कि इस जघन्य हत्याकांड की निष्पक्ष जांच हो और अपराधी को कठोर सजा मिले। भवी जनजाति विकास मंच व आम हिंदू समाज एवं मध्य भारत भगवा परिवार द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।